आपने अभी मीटिंग कॉल की, उसके बाद जो पार्टी का फैसला होगा उसके मुताबिक आगे लेकर चलेंगे। अली साहब, ये बताएं, आपके हल्के में पिन पॉइंट करके टारगेट करने की जो कोशिश की गई है, आपके हल्के से आ भी रही थी आवाजें, उसको आपने कैसे मैनेज किया था? और जो बाकी पार्टियों के साथ, आपके MNS के साथ हुआ, MPS के साथ हुआ, उसको कैसे आप देखते हैं? मैनेज करने का तो एक ही तरीका था, हमने अपने दोस्तों को कहा, जो पोलिंग एजेंट्स जिनको बाहर रिजेक्ट किया गया, निकाला गया, उनको कहा था वहीं पे धरना डाल के बैठ जाएं और उनको जितना री इन्फोर्स कर सकते थे शोर मचाएं और उनको कहें कि फॉर्म 45 हमारा राइट है, उसको हमने लेके जाना है। इसके अलावा और तो कोई हल हमारे पास था नहीं, वही किया। और उसके बाद मतलब हमें ये फायदा हुआ कि काफ़ी हमने फॉर्म 45 अचीव कर लिया, तकरीबन 90% तक हमें रात के 4-5 बजे तक मिल गए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था 2 बजे तक चीज़ें कंक्लूड होनी है, बट क्योंकि वहाँ पे लीड ज़्यादा थी, वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का काम काफ़ी हुआ हुआ है, तो इसलिए फिर हमने मतलब बेहतरी मतलब रिजल्ट अचीव कर लिया। थैंक यू।